इस वीडियो के खत्म होने से पहले आपको एक साथ मसल बिल्ड और फैट लूज करने की साइंस के साथ साथ आप में से कौन कौन इसे कर सकता है और कैसे इसे प्लान करें ये सब पता लग जाएगा। लेकिन नोट्स तो यहाँ भी बनाने पड़ेंगे। अबे साले, तो इतने में तुम फटाफट जाके पेन कॉपी ले आओ, हम 3 सेकंड के इंट्रो म्यूजिक के बाद मिलते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पर। हमेशा की तरह बेसिक समझना जरूरी है, तो एक साथ मसल बिल्ड और फैट लूज करने की इस साइंस को बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। अब तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि आपका बॉडी वेट इन सारी चीजों को मिलकर बनता है। अब इन चारों का बॉडी में कितना परसेंटेज है उसे बॉडी कम्पोजिशन कहते हैं। अब अगर इनमें से मसल का परसेंटेज बढ़ा दो और फैट का परसेंटेज घटा दो तो उसी को तो बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। समझ आया? नहीं। मारो मुझे। सिंपल शब्दों में जैसे बॉडी एक टाइम पर मसल लूज और फैट गेन कर सकती है, ठीक वैसे ही मसल गेन और फैट लूज भी कर सकती है। अब ये करना कैसे है वो आगे समझते हैं, लेकिन पहले ये तो देख लो कि तुम में से कौन कौन इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकता है और कौन कौन इसका लाभ नहीं उठा सकता। सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया और जिनकी बॉडी पे थोड़ा बहुत फैट है, मतलब अगर तुम स्किनी फैट या ओवरवेट हो तो तुम इसके अच्छे कैंडिडेट हो। दूसरे वो लोग जो इंजरी या अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से बहुत समय के बाद वेट ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली बॉडी फैट थोड़ा बढ़ा हुआ है। और आखिरी है इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, मतलब वो लोग जो 1-2 साल से ट्रेन कर रहे हैं और बॉडी फैट काफी है। इन तीनों केसेस में बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है। इनफैक्ट आप में से ज्यादातर लोग इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करोगे, फिर चाहे नौकरी वाले, स्टूडेंट्स या बिजनेस ओनर्स हो। यही अप्रोच तुम लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो वेट लॉस छोड़ो और बॉडी रिकम्पोजिशन पर ध्यान दो। हाँ, हालांकि प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन इससे मिलने वाले हेल्थ आउटकम्स काफी बेहतरीन होंगे। लेकिन अगर कोई स्किनी है तो लीन गेन ही उसके लिए बेस्ट अप्रोच है। और अगर कोई ओबीज है या बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो उस केस में पहले फैट लॉस और फिर लीन गेन एक अच्छी अप्रोच होगी। खैर, अब बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए करना क्या है, उसके लिए सबसे पहला स्टिमुलस है वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इफेक्टिव रखने के लिए हर मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करो, जो फुल बॉडी, अपर लोअर स्प्लिट या पुश पुल लेग स्प्लिट में इफेक्टिवली हो पाएगा। हर हफ्ते में कम से कम 4 दिन ट्रेन करो, सही फॉर्म और रेंज ऑफ मोशन रखो ताकि टाइम अंडर टेंशन बढ़े और मसल पर पर्याप्त स्ट्रेस पड़े। फेलियर तक ट्रेन करो, मतलब जब तक ट्रेन करो जब तक तुम्हें ये ना लगे कि भाई अब एक और रेप ना हो पाएगा। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा। ये आपकी मसल ग्रोथ के लिए सही माहौल बना देगा और मसल ग्रोथ की इस साइकिल को पूरा करेगा पर्याप्त प्रोटीन, जो बॉडी रिकम्पोजिशन का दूसरा स्टेप है। अब डिफरेंट रिकम्पोजिशन स्टडीज में अलग अलग प्रोटीन की रेंजेस देखी गई हैं। बेस्ड ऑन दैट 1.5 टू 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे एक सही रेंज है अच्छे मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हालांकि एक स्टडी में 3-3.5 ग्राम प्रोटीन से भी इफेक्टिवनेस देखी गई है, लेकिन प्रोटीन कंजम्पशन के केस में कंसिस्टेंसी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक दिन में तो रिकम्पोजिशन होने नहीं वाला, तो इसलिए जितना प्रोटीन रोज खा सको उतना रखो। हाँ, लेकिन कम से कम 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर डे तो होना ही चाहिए, मतलब अगर वेट 70 है तो कम से कम 105 ग्राम प्रोटीन खाओ। अब प्रोटीन के ये सारे सोर्सेज हैं, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादातर प्रोटीन अपना कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज जैसे सोए, एग, डेयरी, चिकन, फिश इत्यादि से पूरा करो, और जो बचे उसे इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज से कर सकते हो। और अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि अपना न्यूट्रिशन प्लान कैसे बनाएं तो भाई ये वीडियो देख लो, इसमें बहुत डिटेल से हमने सभी चीजें कवर करी हैं। अब रिकम्पोजिशन के पहले दोनों स्टेप्स ये इंश्योर करेंगे कि हमारा मसल बिल्ड हो, और आखिरी स्टेप कैलोरी डेफिसिट में रहना ये इंश्योर करेगा कि आपका साथ साथ फैट लॉस भी हो। अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है वो भी न्यूट्रिशन प्लान वाले वीडियो से समझ लेना। खैर, अगर मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं तो 10-15% या 200-300 कैलोरीज कम खाओ, क्योंकि ज्यादा डेफिसिट से मसल लॉस का खतरा रहेगा। और अगर किसी दिन मेंटेनेंस जितना खा भी लेते हो तो भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, 1.25 घंटा वॉक कर लो उतना ही कैलोरी डेफिसिट बनाने के लिए। अब ये तीनों काफी हैं सही नतीजे देने के लिए, लेकिन जैसा हम हर वीडियो में बात करते हैं कि ट्रैकिंग के बिना कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो इसलिए अपना वेट रेगुलरली, इंचेस वीकली और साथ साथ फोटोज भी लेते रहो। और अगर बॉडी रिकम्पोजिशन की साइंस के बारे में और डिटेल में समझना है तो भाई सभी रेफरेंस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उठा। और फाइनली हमने इस वीडियो से क्या सीखा, न्यू लिफ्टर्स, कभी कभार वाले और 1-2 साल वाले जिनका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, उन्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करके अपने समय का भरपूर फायदा उठाने के लिए केवल 3 चीजें करनी है। पहला प्रोग्रेसिव वेट ट्रेनिंग, दूसरा 1.5-2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, और एक छोटा 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट काफी है सकारात्मक नतीजे देखने के लिए। और अगर तुम मेरे जैसे हो जो किसी भी फूड को देखकर अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता तो भाई ये ऊपर लेफ्ट वाला वीडियो देखो, और अगर अपना फेस फैट रिड्यूस करना चाहते हो तो ये ऊपर राइट वाला वीडियो। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।